अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयां हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, बाकी रहे, तो फिर आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली तआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेज कर मदद करना चाहते हैं, तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी, उस एतवार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 रुपये आप पाबंदी से मदद कीजिए और चैनल को मजबूत कीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं इसे अच्छी ही खबर कहूँगा। जी हाँ, आप जानते हैं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में किस तरीके से भगवा आतंकियों ने आतंक का नंगा नाच खेला और पुलिस भी बाकायदा उनके साथ कुछ वीडियोस में खड़ी हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया की वजह से ये सारी वीडियोस वायरल हो रही है, वरना गोदी मीडिया तो हर तरह से बदमाशी की इंतहा कर रही है। खैर, जहांगीरपुरी तशद्दुद को लेकर दिल्ली पुलिस को अदालत ने ज़बरदस्त फटकार लगाई और कहा कि पुलिस के रोल के जांच की ज़रूरत है और होनी चाहिए। ये बात मैं सबसे पहले कह रहा था, तो मुझे कमेंट्स में बड़ी गालियाँ लिखते हैं, जो भगवा आतंकी जहन के लोग हैं, गालियाँ लिखते हैं। लेकिन ये बात मैं पहले ही से कह रहा था कि पुलिस, खरगोन में भी ऐसे ही माहौल नज़र आया, जहांगीरपुरी में भी ऐसे ही माहौल नज़र आया, जहाँ जहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं, वहाँ पुलिस एक तरफ कहीं खामोश तमाशाई बनकर बाकायदा भगवा आतंकियों को पत्थर फेंकते हुए, तलवार लहराते हुए देख रही है, तो कहीं कहीं पर तो पुलिस खुद साथ साथ चलती हुई नज़र आ रही है। तो खैर, अदालत ने यह कहा कि पुलिस के रोल की भी जांच की जरूरत है। दिल्ली की अदालत ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी बिला इजाजत निकाले गए जुलूस को रोकना थी, बगैर परमिशन के जुलूस निकला था तो उसको रोकने की जिम्मेदारी पुलिस की थी, लेकिन पुलिस रोक नहीं रही, बल्कि उनकी सिक्योरिटी करते हुए जुलूस के साथ चलती हुई नजर आई। खैर, जो कसूरवार अफसरान हैं, उनको जवाबदेह बनाने पर अदालत ने जोर दिया। खैर, होना चाहिए, पूछे बगैर इजाजत, बगैर पूछे शोभा यात्रा कैसे निकली, अदालत ने फटकारा। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, मुस्लिम इलाकों में खौफ हिरास, यानी पुलिस की बदमाशी आप देखें या हुकूमत की बदमाशी आप देखें कि अभी भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, मुस्लिम मोहल्लों में डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। हालांकि गिरफ्तारियां उन की होनी चाहिए जिन्होंने बगैर इजाजत शोभा यात्रा निकाल कर दंगे और फसाद का माहौल बनाया।
आइए नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र के अमरावती से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीतने वाली नवनीत राणा और फिर किसी और की गोद में जाकर बैठ जाने वाली नवनीत राणा की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अमरावती से मुंबई पहुंची थी माहौल ख़राब करने के लिए, आखिर गिरफ्तार कर ली गई, फिर कुछ दिनों के बाद जमानत मिली। अब खबरें आ रही है कि नवनीत राणा पर फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही बयानबाजी नवनीत राणा ने शुरू कर दी और कहा कि हनुमान चालीसा के लिए 14 दिन नहीं 14 साल की जेल के लिए भी तैयार हूं। तो अब जनाब, कोर्ट ने जो जमानत दी थी कुछ शर्तें लगाई थी, उन शर्तों की खिलाफ वर्जी के बुनियाद पर जमानत की मनसूखी के लिए महाराष्ट्र सरकार कोर्ट जाएगी, ऐसी खबरें सामने आ रही है। और अगर महाराष्ट्र सरकार कोर्ट गई तो नवनीत राणा के 14 साल जेल में रहने की तमन्ना भी पूरी हो सकती है। आइए नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त रियासत उत्तर प्रदेश के आगरा से आ रही है। जी हाँ, ताजमहल जो मोहब्बत का एक प्रतीक, एक अलामत माना जाता है और मुल्क की शान बढ़ाने के लिए दुनिया के 7 अजूबों में जिसको गिना जाता है, और यही ताजमहल है जो दुनिया के 7 अजूबों में भारत का नाम लिखवाता है, रोशन करता है। लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ के नफ़रती जहरीले चिंटुओं की नफ़रतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि बाकायदा मुद्दे कुछ ना कुछ चाहिए, असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कुछ ऐसे ही बदमाशी के मुद्दे चाहिए। अब खबर आ रही है कि ताजमहल के 20 कमरों में शिव की मूर्तियां बंद होने का दावा किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके उन 22 कमरों के खोलने की दरखास्त की गई है। मैं आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में एक अर्जी दाखिल की गई जिसमें दावा किया गया है कि आगरा के ताजमहल में भगवान शिव का मंदिर है। ताजमहल के बालाई और जेरी हिस्से में 22 कमरे हैं जिन्हें आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इनमें से 20 कमरों को खोलने का मुतालबा किया गया है, जहां मूर्तियां और शवाहिद मौजूद होने का दावा किया गया है। आप जानते हैं कि मुगलिया दौर की मशहूर और मोहब्बत की लाजवाल और यादगार निशानी ताजमहल के 20 कमरों की हकीकत जानने के लिए एक अदालत में पिटीशन दायर की गई है कि इनको खोला जाएं, यानी गोया कि एक नया मुद्दा अगले इलेक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। आइए नाज़रीन, फिर बड़ी अच्छी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है। जी मैंने कहा ना कि अदालतें अभी ज़िंदा है, इंसाफ कहीं ना कहीं बाकी है, मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, खबर आ रही है कि दिल्ली में जो धर्म संसद हुई थी और दिल्ली पुलिस जो है उसको भी यूं समझे कि दबाने की कोशिश कर रही थी, और ये पहले कह रही थी कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कोई हरामीपन, कोई बदमाशी नहीं हुई, कोई मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बातें नहीं हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार सरजनिश काम आई और दिल्ली की धर्म संसद के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। दिल्ली पुलिस ने पहले क्लीन चिट दे दी थी और अब कबूल किया कि हिंदू युवा वाहिनी के प्रोग्राम में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद पर उकसाने की कोशिशें की गई है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो जब जाके अब पुलिस ने FIR को दर्ज किया। सुरेश चौहान के धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र के क्याम के लिए हाजरीन से जो वो अहद ले रहे हैं और हलफ शपथनामा ले रहे हैं, वो तस्वीरें भी वायरल हो रही है, और उस वक्त किस तरीके से जहर उगला गया था, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुई थी। लेकिन पुलिस भी हमारी इतनी बेशर्म हो गई है कि इतना सब कुछ दुनिया देख रही है, उसके बावजूद भी पुलिस दबाने की कोशिश करती है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और दिल्ली की धर्म संसद के खिलाफ FIR दर्ज हो गई। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर लगातार खबरें आ रही है और सियासी माहौल गर्माता जा रहा है, लेकिन अभी बड़ी अजीब खबर आई है कि ज्ञान वापी मस्जिद मामले में एक नया मोड़ आ गया। विश्व वेदक सनातन संघ ने अपना दावा वापस लेने का ऐलान कर दिया। विश्व वेदक सनातन संघ नाम की एक तंजीम, उसके अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने ऐलान किया है कि वो मंदिर फरीक की जानिब से मामले पर दी गई अर्जी वापस ले लेंगे। यानी ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ श्रृंगार गौरी मामले में नया मोड़ आया है, और यहाँ बाकायदा दर्शन और पूजा को लेकर 2 दिनों से
सर्वे पर हंगामा मचा है। सर्वे का हुक्म 5 खवातीन की अर्जी पर दिया गया था और अब एक नया मोड़ उस वक्त सामने आया जब अचानक विश्व वेदक सनातन संघ के अध्यक्ष ने अपना दावा वापस लेने का ऐलान कर दिया। आइए दिन रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एक हिंदुत्ववादी कट्टरवादी तंजीम है श्री राम सेना, इन्होंने खुली धमकी देते हुए ये कहा कि हम अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे और सुबह 5 बजे कर्नाटक के मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि स्टेट हुकूमत यहाँ की मस्जिदों में लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है और मुतालिक ने कहा कि अब हम सुबह 5 बजे से मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और हम भी हुक्म की खिलाफ वर्जी करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों ने तो अदालत के आदेश का पालन किया, लेकिन यहाँ पर ये यूँ समझिए कि कट्टरवादी आतंकी जहन के लोग जो मुल्क में नफरतें फैला रहे, ये खुले आम अदालतों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। इसलिए लोगों का ये कहना है कि इन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि मुल्क का अमनो अमान और शांति बरकरार रहे। रियासत मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे रिपोर्टर मकसूद लोदी और इरशाद शकील शेख ने बताया कि इंदौर में जो हादसा हुआ, 2 मंजिला इमारत में आग लगी जिसमें 7 अफराद दम घुटकर हलाक हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब लोग गहरी नींद में थे। अब खबरें आ रही है कि ये हादसा या शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था बल्कि इंदौर में यह हादसा एक दीवाने आशिक ने अंजाम दिया था, आग लगाने की वारदात। उसने अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम का कहना है कि वो एक लड़की से मोहब्बत करता था जिससे उसका झगड़ा हो गया था, उसके बाद जुनून में आकर उसने ये इंतहाई कदम उठाया। मुलजिम ने बताया कि सोर्न बाग में रहने वाली लड़की से मोहब्बत की वजह से उसने एक कार को भी आग लगा दिया। पुलिस से बचने के चक्कर में उसकी एक टांग भी टूट गई। उसने कबूल किया कि मैं एक लड़की से बहुत नाराज था, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसने मुझसे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करवाया, मैंने इससे खर्चे के लिए दिए गए पैसे कभी वापस नहीं मांगे, वो हमेशा किसी न किसी चीज के लिए पैसे मांगती थी, मैं इतना परेशान था कि उसकी गाड़ी की सीट जलाना चाहता था। तो अब यह हादसा पेश आया, यानी ये जो 7 लोग मरे हैं ये दीवाने आशिक की ने अंजाम दी थी वारदात। यहाँ एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, एलन मस्क, जिनके बारे में आप जानते हैं कि एक बड़े आदमी हैं और बहुत बड़ा कारोबार है और कई मुल्कों में जब ये कदम रखते हैं तो उन मुल्कों का भी भला होता है, लेकिन अभी खबर आ रही है कि मोदी हुकूमत की गलत शर्तों की वजह से एलन मस्क बड़े गुस्सा हो गए और वो हिंदुस्तान को छोड़कर दीगर बाजारों की तरफ मुतवज्जे होते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो कार हिंदुस्तान में लॉन्च कर रहा हूँ तो उसकी कीमत से भी दुगना कीमत यहाँ पर बकायदा हुकूमत को अदा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरी कार की कीमत बहुत ज़्यादा हो रही है, जो इंतहाई गलत चीज़ है। लेकिन मोदी हुकूमत की शर्तें जो है हमको भी नुकसान पहुँचा रही है और भारत को भी नुकसान पहुँचा रही है, इसलिए वो काफ़ी गुस्सा हो गए और हिंदुस्तान को छोड़कर दीगर बाजारों की तरफ मुतवज्जे हो गए हैं, जिससे हमारा आम जनता का भी और हमारे मुल्क का भी नुकसान होगा। यह खबर को इसलिए भी मैं दिखा रहा हूँ कि भारत की अंधभक्त जनता देखें कि किस किस तरीके से मोदी जी की गलत पॉलिसियों से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है और मुल्क की जनता का रोजगार छीना जा रहा है। आइए, उत्तर प्रदेश से एक बड़ी अफसोसनाक शर्मनाक खबर सामने आ रही है। जी हाँ, शराब के नशे में एक बाप ने अपनी ही बेटी के साथ इसमें दरी की, उसके साथ रेप किया, उसका जना किया। उत्तर प्रदेश के बांदा से ये शर्मनाक खबर सामने आ रही है। मैं इस खबर को इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि मैं अक्सर जब नशे के खिलाफ बयान करता हूँ तो ये बातें मैं कहता हूँ कि हमारे नबी ने, प्रेषित मोहम्मद ने, प्रॉफिट मोहम्मद ने नशा को हराम करार दिया, क्योंकि नशा में आदमी वो काम कर सकता है, वो गुनाह कर सकता है, वो क्राइम कर सकता है जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, इसलिए इस्लाम ने नशा को हराम कर दिया। आज वो चीजें जो मैं बयान में बोलता हूं वो खबर की शक्ल में मेरे सामने आ रही है। मैं अक्सर बयान में कहता हूं कि नशे की हालत में आदमी अपनी बहन के साथ मुकाला कर सकता है, मां के साथ मुकाला कर सकता है, बेटी के साथ मुकाला कर सकता है, इन पाक पवित्र रिश्तों के साथ भी वो मुकाला कर सकता है। आज ऐसी ही खबर जो है उत्तर प्रदेश के बांदा से आ रही है कि 19 साल
लड़की की छोटी बहन ने पुलिस को बताया कि बुध की शाम उसका बाप शराब के नशे में घर आया और उसने मुबैना तौर पर उसकी बड़ी बेटी के साथ मुंह काला किया, जिसको लेकर उसने पुलिस ने जुमा को बताया कि लड़की की लाश घर में मुर्दा पाई गई और खबर आ रही है कि लड़की इस चीज़ को बर्दाश्त न कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली। अजनजर आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने। जी हाँ, इंटरनेट का सर्च इंजन गूगल ने गुज़िश्ता कल यानी संडे को मदर्स डे के मौके पर अपने होम पेज पर डूडल बनाकर मातृशक्ति को यानी माँ को खराज तहसीन पेश किया। हर खास मौके पर डूडल के ज़रिए से ऐसे शानदार नमूने पेश किए जाते हैं, मुबारकबाद, मोहब्बत, प्यार और एहतराम के जज्बात को दिखाया जाता है। लेकिन अभी गुज़िश्ता कल मदर्स डे के मौके पर भी गूगल ने एक शानदार डूडल बनाकर पेश किया और दुनिया भर की माओं को मदर्स को मुबारकबाद और खराज तहसीन पेश किया। लेकिन इस खबर को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आज से 1500 साल पहले सबसे बड़ा खराज अकीदत पेश करते हुए जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल जन्नत तहत अक़दाम अल उम्महात, माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और उस नबी ने कहा है कि तेरे माँ बाप राजी तो रब राजी। जी हाँ, तेरे माँ बाप राजी तो रब राजी। तो माँ बाप की जो अहमियत, माँ का जो मकाम, माँ का जो एहतराम इस्लाम ने बताया है और जो इस्लाम ने माँ के मकाम और उसको खराज तहसीन पेश किया है, मुबारकबाद पेश की है, वो गूगल और डूडल क्या पेश कर सकता है। और याद रखें कि एक जुमला आखिरी कि ऐसा मदर्स डे और फदर्स डे एक दे एक दिन नहीं मनाया जाना चाहिए। इस्लाम तो कहता है कि हर लम्हा मदर्स डे मनाओ और हर लम्हा फादर्स डे मनाओ, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप राजी तो रब राजी। और नबी ने यह तक कहा है कि मां के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। तो इस्लाम हर दिन मदर्स डे और फदर्स डे मनाने का हुक्म देता है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।